नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रंजना सिंह राठौर। बुलेटिन का आगाज करेंगे। उत्तर प्रदेश में कोरोना का कहर दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 30,214 नए कोविड 19 के मामले सामने आए हैं। 187 लोगों की जान चली गई। साथ ही मरने वालों का जो कुल आंकड़ा है वो 10,346 पहुंच गया है। मौजूदा समय में प्रदेश में 2,42,665 एक्टिव केसेस हैं और एक बार फिर लखनऊ में सबसे ज्यादा केस अन्य जिलों के मुकाबले देखने को मिले हैं। यहां पर 5,902 नए केस सामने आए, तो वहीं 21 मौतें भी हुई हैं। बताया जा रहा है कि मौजूदा समय में 55,980 सक्रिय केस हैं लखनऊ में। 14,098 संक्रमित मरीज ठीक होकर घर भी लौट चुके हैं। तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में ऑक्सीजन सिलेंडर और कोविड संबंधित दवाओं की कालाबाजारी करने वालों पर NSA लगाए जाने को लेकर निर्देश दिए हैं। जानकारी तो वही है कि कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी की हालत पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक को किया। संसाधनों के पर्याप्त व्यवस्था और मेडिकल सेवाओं को बेहतर किए जाने और मरीजों को इलाज में कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए जरूरी निर्देश दिए। दिल्ली में शराब की दुकानें बंद होने के चलते गाजियाबाद में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि गाजियाबाद बॉर्डर पर शराब की दुकानों पर भारी भीड़ बढ़ गई है। यहां पर अधिकतर दिल्ली के लोग आकर शराब खरीद रहे हैं। आपको बता दें कि दिल्ली में लॉकडाउन के चलते शराब की दुकानें पूरी तरीके से बंद है। गाजियाबाद के भोपुरा में शराब की दुकान है। दिल्ली में लॉकडाउन लगने के बाद लोग गाजियाबाद आकर शराब खरीद रहे हैं। दिल्ली में लॉकडाउन के बाद प्रवासी मजदूरों के पलायन का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। ग्रेटर नोएडा में NH 91 पर प्रवासी मजदूर घंटों तक बस के इंतजार में खड़े हुए नजर आए। मामले में SDM दादरी का कहना है कि लगातार हमारी टीम काम कर रही है। सभी से अपील है कि शांति बनाए रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। आपको बता दें कि दिल्ली में 7 दिनों का लॉकडाउन लगने के बाद से ही लगातार लोग घर जाते हुए नजर आ रहे हैं। आलम यह है कि प्रवासी मजदूरों के लिए प्रशासन की तरफ से कोई उचित कदम भी नहीं उठाए जा रहे। कुछ प्रवासी मजदूरों का तो कहना है कि वो पिछले कई घंटों से रोड पर बस का इंतजार कर रहे हैं। कई बार आई और चली भी गई, पर उन्होंने बस को रोकने की कोशिश की मगर बस नहीं रुकी। खबर आगरा से, जहां पर ऑक्सीजन प्लांट पर पहुंचे विधायक राम प्रताप सिंह। SDM और डिप्टी कमिश्नर भी वहां पर पहुंचे। ऑक्सीजन प्लांट 2-3 दिनों में खत्म हो जाएगी यहां पर ऑक्सीजन की किल्लत, विधायक का ऐसा कहना है। साथ ही किसी भी इंडस्ट्री में सप्लाई नहीं होगी ऑक्सीजन, विधायक साहब ने इस बात को साफ किया। खबर फतेहपुर से, जहां पर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। यहां पर पकड़े गए बदमाश पर 50,000 का इनाम घोषित था। शातिर बदमाश के खिलाफ हत्या, लूट, डकैती जैसी संगीन धाराओं में 17 मुकदमे दर्ज हैं। कुख्यात अपराधी मिंटोला इलाके का रहने वाला है। पुलिस पिछले काफी समय से अपराधी की तलाश कर रही थी। मुखबिर की जानकारी पर पुलिस ने बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। मुरादाबाद में प्रेम प्रसंग के चलते पड़ोस के व्यक्ति ने अपनी पड़ोस में रहने वाली महिला को चाकुओं से गोदकर खुद को भी गोली मार दी। आत्महत्या का यह बड़ा मामला, जहां पर घायल महिला को अस्पताल भेजा गया, जहां पर रास्ते में उसने भी दम तोड़ दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। महोबा में परिवार के ही दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। साथ ही धारदार हथियार से एक दूसरे पर वार किया गया, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई जबकि 1 व्यक्ति गंभीर रूप से जख्मी हो गया। दोनों के शवों को पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। गाजियाबाद के मसूरी में नाली को लेकर 2 पक्षों में भयंकर विवाद हो गया। दोनों पक्षों की ओर से जमकर लाठी डंडे चले और पत्थरबाजी भी की गई। इस दौरान बुजुर्ग महिला के सर में पत्थर लगने से उसकी मौत हो गई, जबकि 2 लोग बुरी तरीके से जख्मी हो गए। खबरों के मुताबिक मृतक महिला के बेटे ने टूटी हुई नाली पर सीमेंट से प्लास्टर किया था, लेकिन पड़ोस में रहने वाले कुछ लोगों को ये बात पसंद नहीं आई और उन्होंने एतराज जताया। इसी एतराज के बाद विवाद बढ़ गया और पड़ोस में रहने वाले युवक और उसके साथी लाठी डंडे और पत्थर लेकर आ पहुंचे। एक बड़ा सा पत्थर बुजुर्ग महिला की तरफ फेंका गया,
इस दौरान छल पर खड़ी महिला के सर में पत्थर लगा और वो नीचे गिर गई, जिससे उसकी मौत हो गई। इसके अलावा मृतका के बेटे और एक अन्य व्यक्ति भी बुरी तरीके से जख्मी हुए हैं। फिलहाल पुलिस मामले की कार्रवाई में जुट गई है। खबर सुल्तानपुर से, जहां पर पुरानी जमीन और चुनावी रंजिश को लेकर ताबड़तोड़ गोलियां चली। इस दौरान एक पक्ष के आधा दर्जन से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। इन सभी को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जिसमें दो लोगों की हालत बेहद गंभीर होने की वजह से उन्हें लखनऊ रेफर कर दिया गया है। फिलहाल सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। पूरा मामला करौंदी कला थाना क्षेत्र के मेवपुर बचरौली का है, जहां पर कुछ लोग घर के बाहर बैठकर चुनाव पर चर्चा कर रहे थे। आपसी बातचीत में दो पड़ोसियों के बीच कुछ बात बिगड़ गई। विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि पत्थरबाजी शुरू हो गई। इस बीच एक गुट फायरिंग करने लगा, जिसके बाद यह हादसा हो गया। फिलहाल गोली चलने की घटना से पूरा इलाका डरा हुआ है। आज थाना करौंदी कला के मेवपुर बरचौली गांव है, यहाँ पे सुबह 9:30 बजे के आसपास एक सूचना मिली थी, जिस पर थाना अध्यक्ष सीओ कादीपुर के मौके पे आए थे। यहाँ जो विवाद का कारण पता किया गया तो ये है कि इनका कोई ज़मीन का एक रास्ते का मामला था। काफ़ी दिनों से ये चला आ रहा है विवाद इनका, और इसमें गोली चली है, जिसमें 315 बोर के और 32 बोर की गोली चली है। इसमें इस समय 7 अभियुक्तों को पकड़ा गया है, जिन्होंने गोली चलाई है, और जो सात मजरूब हैं, जिसको मजरूबों को अभी प्राइमरी हेल्थ सेंटर से यहां से रेफर किया गया है। कोरोना की दूसरी लहर की मार आम लोगों पर जमकर पड़ रही है। बड़े व्यापारियों ने छोटे व्यापारियों को महंगे दामों से सामान देना शुरू कर दिया है, जिसके कारण छोटे व्यापारी भी लोगों को सभी सामान अब महंगे दामों पर ही बेच रहे हैं। जालौन के माधोगढ़ बाजार के व्यापारियों ने बताया कि लॉकडाउन के वक्त वो क्यों सारा सामान महंगा बेचते हैं। महंगाई को लेकर हमारे सहयोगी ने व्यापारियों से खास बातचीत की, आप देखिए उनकी रिपोर्ट। लॉकडाउन लगने की उम्मीद बड़े व्यापारियों को लगी, उन्होंने जितनी भी खाद सामग्री है उनको डंप कर लिया, रोक दिया स्टॉक में। जो छोटे व्यापारी हैं उनको मजबूरी में मूल्य से अधिक मूल्य पर सामान बेचना पड़ रहा है, क्योंकि बड़े व्यापारी अधिक मुनाफा कमाने के चक्कर में छोटे व्यापारियों को अधिक मूल्य पर जो भी खाद्य सामग्री है वो दे रहे हैं। और जब लॉकडाउन, उन्हें आशा है कभी ना कभी लॉकडाउन लगेगा, हमने जो अपना जो भी सामान है उसको स्टॉक कर रखा है उसको दुगने मूल्यों पर बेचेंगे। अभी हम मौजूद हैं माधोगढ़ के किराना मार्केट में, यहाँ जानकारी लेंगे दुकानदारों से, उच्च दुकानदारों किस रेट पर सामान दे रहे हैं, आप किस रेट पर बेच रहे हैं, वो जानकारी लेंगे। भैया जो बड़े दुकानदार हैं उन्होंने जो माल स्टॉक कर रखा है, क्या वो आपको भी ऊँचे दामों पर माल दे रहे हैं? हाँ, कभी मिल रहा है वो ऊँची दामों पर माल। कितने बढ़ के दाम ले रहे हैं इस समय? 10 रुपया किलो, 5 रुपया किलो, 20 रुपया किलो है। कौन की थोड़ा जोर से बोले। 20 रुपया किलो है, 10 रुपया किलो की महंगाई है, 25 रुपया किलो की है। हर एक चीज़ पर जो किराने का सामान है, चाहे दाल हो, चाहे आटा हो, नमक हो, चाहे मंजन हो, सबको स्टॉक कर रखा है। जो दाम है उनसे थोड़ा बढ़ा के दाम ले रहे हैं, किसी जैसे 10 रुपये किलो भी बढ़ाया, ये जो मंजन है उस पर 2 रुपये बढ़ा दिया, और हर एक चीज़ पर जो भी खुरदरा मूल है उन पर दाम पैसे बढ़ाए हैं। यहाँ पे ग्राहक भी मौजूद हैं, आप बताएं, आप जो सामान खरीदने आए हैं, आपको जो सामान पहले खरीदते थे अब में क्या अंतर है? हमको तो महंगा लग रहा था। महंगा लग रहा? हाँ, बहुत महंगा लग रहा। चावल देखो तो सब महंगा ही लग रहा। देखिए ये ग्राहक बहुत महंगाई है। जो ग्राहक हैं, जो बड़े दुकानदार हैं, यहाँ के जो माफिया टाइप के दुकानदार हैं जिले के, उन्होंने हर एक चीज़ का स्टॉक कर रखा है, जो चाहे कोई सामान हो, दाल, नमक, मिर्ची, तेल, मसाला, जो भी पान मसाले, सबका स्टॉक कर रखा है, और दुगने पैसे कमाने के चक्कर में उसको स्टॉक करके कमाने के चक्कर में लगे हुए हैं कि कभी अगर लॉकडाउन लगता है तो इस सामान को हम दुगने मूल्य पर बेचेंगे, दुगने तिगने मूल्य पर कमाएंगे, अच्छा खासा धन कमाने के लिए। छोटे दुकानदार, आम जनता को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ हमारे साथ और ग्राहक मौजूद हैं, हम बात करेंगे। आप बाज़ार आए हुए हैं, आपको जो सामान खरीदने आए हैं, क्या किस रेट में कितना भाव बढ़ा लग रहा है, कितने परसेंट भाव बढ़ा लग रहा है? अभी तो फिलहाल 15-20% तो बढ़ाई है। देखिए ग्राहकों का कहना है कि 15-20% अभी से भाव बढ़ गए हैं, जब सरकार ने केवल 2 दिन का लॉकडाउन लगाया है, शनिवार और रविवार। अगर लॉकडाउन बढ़ता है तो बड़े व्यापारी
दुगने तिगने चौगने दाम में अपना जो माल को स्टॉक कर रखा है, किराने का सामान खुदरा जो भी है उसको। आओ, और भी दुकानदार मौजूद हैं, बात करते हैं यहाँ पे। आप बताएं आपका ये आपका नाम क्या है? सोमना अर्पित गुप्ता। अर्पित गुप्ता जी, ये बताएं आपका जो दुकान है, जो बड़े व्यापारी हैं, आपको किस जो सामान है कितना परसेंट बढ़ा के दे रहे हैं? बढ़ा के कुछ नहीं दे, जो रेट आ रहा है बस 1-2 रुपए महंगा दे रहे हैं बस खाली। देखिए, हर एक चीज़ पर 1-2-4-5 रुपए अभी बढ़ा के दे रहा है। जैसे ही लॉकडाउन की वो लॉकडाउन बढ़ेगा, वो सामान के रेट सामान का रेट बढ़ा देंगे, दुगने से तिगना चौगना मुनाफा कमाएंगे। हर एक चीज़ का भंडारण किया जा चुका है, आम दुकानदार तक उचित रेट पर सामान नहीं पहुंच रहा है। हमने दुकानदारों की भी व्यथा सुनी और ग्राहकों की भी व्यथा सुनी, जो ग्राहक बड़ा परेशान है। आप बताएं जो सामान है, बड़े व्यापारी हैं, उन्होंने सामान को स्टॉक कर रखा है, कैसा लगता है? अभी कितना महंगा सामान मिल रहा है, कितने परसेंट महंगा हो गया हर एक चीज़ पर? अभी यह डेवड़ा हो गया, डेवड़ा महंगा। डेवड़े का मतलब डेढ़ गुना। हाँ, देखिए ग्राहक बता रहे हैं जो है सामान, जो भी सामान है वो डेवड़ा महंगा हो गया, यानी कि डेढ़ गुना महंगा। यदि लॉकडाउन लगता है, पूर्ण लॉकडाउन होता है, और यदि यहाँ पे और समस्याओं का सामना करना पड़ता है, और जो जैसे ही लॉकडाउन लगेगा, जनता को दुगने तिगने चौगने महंगाई की मार झेलना पड़ेगी। जो बड़े व्यापारी हैं, उन्होंने सब चीज़ों का स्टॉक कर रखा है। यहाँ पे एक दुकानदार भी मौजूद हैं, इनसे भी जानकारी लेंगे। आप ये बताएं आपका नाम क्या है? राजेश रावत। राजेश जी, एक बात बताएं, जो जो सामान है खुदरा मुँह, जो आपके किराने का सामान है, अभी उस पर जो है कितने परसेंट महंगाई हुई है? महंगाई तो कुछ नहीं, सही है, केवल गुटके ही थोड़े से 10% लगभग महंगे चल रहे हैं। ये पान मसाला जो है उस पर जो है 10-15-20% महंगाई कर दी गई है। ये गुटके के व्यापारी हैं, और जो भी दुकानदार हैं, किराने की दुकान है, हर एक सामान पर 15-20% महंगाई हो गई है। बड़े जो व्यापारी हैं, उन्होंने सामान को स्टॉक कर रखा है। जब भी भविष्य में यदि लॉकडाउन लगता है तो वे चौगने दामों पर अपना जो है सामान बेचेंगे, जिससे जनता पर और आम दुकानदारों पर महंगाई की भारी मार पड़ने वाली है। इंडिया न्यूज के लिए जालौन से प्रवीण द्विवेदी। राजधानी लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में संपूर्ण रामचरितमानस के गायन का YouTube चैनल मेधज एस्ट्रो पर रिलीज किया गया। इस दौरान रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने वीडियो संदेश के जरिए आयोजन और डॉक्टर समीर त्रिपाठी के गायन की सराहना की। इस दौरान लोक गायिका मालिनी अवस्थी ने भी वर्चुअली कार्यक्रम में शिरकत की। देखिए खास रिपोर्ट। मेधज समूह के संस्थापक डॉक्टर समीर त्रिपाठी द्वारा संगीत में गाए गए रामचरितमानस का विमोचन राजधानी लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में किया गया। बुधवार को रामनवमी के मौके पर संपूर्ण रामचरितमानस के गायन का YouTube चैनल मेधज एस्ट्रो पर रिलीज किया गया। डॉक्टर समीर त्रिपाठी की आवाज को सुधीश खैर और ओम प्रकाश प्रसाद ओमी ने अपने सुरों में पिरोया है। इस मौके पर तमाम संत मौजूद रहे, साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने वीडियो संदेश के जरिए आयोजन और डॉक्टर समीर त्रिपाठी के गायन की सराहना की। लोक गायिका मालिनी अवस्थी ने भी वर्चुअल तरीके से आयोजन में शामिल होकर कार्यक्रम की सराहना की। शहर के तमाम वरिष्ठ नागरिकों की मौजूदगी में हुए इस कार्यक्रम के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का पूरा ख्याल रखा गया। से बहुत सारे मंत्र और श्लोक मैंने सुने और उनका मतलब न समझने की वजह से मुझे याद नहीं हुए, और जब मैंने उनका अर्थ समझ के पढ़ना शुरू किया तो मुझे वो आराम से याद होने शुरू हो गए। तो मैं चाहता था कि हर युवा वर्ग अपने एंटरटेनमेंट को, जो कि हम इधर उधर के सब गाने सुन के अपना एंटरटेनमेंट करते हैं, अगर हम अर्थ समझते हुए उनको गाएंगे तो ये हमारे जीवन को बेहतर भी बनाएगा और अच्छी संस्कृति और संस्कारों का विकास भी करेगा। अर्थ समझ के गाना 100 गुना ज्यादा असर देता है, ऐसा मेरा मानना है। मिर्जापुर में जन्मे लखनऊ निवासी मेधज समूह के संस्थापक डॉक्टर त्रिपाठी इसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देते हैं। उनका कहना है कि अध्यात्म और भक्ति की शक्ति को अधिकतर लोग मानते हैं, और जो नहीं मानते विपरीत और कठिन हालात में उन्हें भी ईश्वर याद आते हैं। कोरोना महामारी से जब पूरा विश्व त्राहिमाम कर रहा था, तब लोगों को आध्यात्मिक ईश्वरीय सत्ता पर ज्यादा भरोसा हुआ। समीर त्रिपाठी ने
कोरोना काल में अपने पिता द्वारा लिखित गीतावाणी नामक पुस्तक से प्रेरित होकर भगवद गीता, शिव श्रोत, नारद उवाच आदि मंत्रों को अपनी सुरीली आवाज में पिरोया। इसके बाद उन्होंने संपूर्ण रामचरितमानस को गाया। और अब त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की, जिसके तीसरे चरण के लिए उन्नाव में 26 अप्रैल को मतदान होना है। इंडिया न्यूज के सहयोगी गौरव शर्मा ने उन्नाव के शुकलाल खेड़ा गांव में जाकर गांव का जायजा लिया। इंडिया न्यूज ने यह जानने की कोशिश की कि आखिर गांव में कितना विकास हुआ है। लोगों का कहना है कि गांव की सड़कें टूटी है, यहां पर नालियां टूटी हैं, गांव में साफ सफाई की भी कोई खास इस तरीके की व्यवस्था देखने को नहीं मिलती। रिपोर्ट देखिए। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव शुरू हो चुके हैं और 26 अप्रैल को उन्नाव में मतदान होना है। तीसरे चरण का मतदान 26 अप्रैल को होगा और हम खड़े हैं उन्नाव के गांव में, जिसका नाम है शुकलाल खेड़ा। इंडिया न्यूज़ यहां पर लोगों से हालात जानने पहुंचा है कि गांव में अभी तक कितना विकास हुआ है। और यहां पर आप देख सकते हैं जो सड़कें हैं वो खरंजे जो बने हुए हैं वो टूटे हुए हैं, नाली जो है वो बदबदा रही है, उनमें कूड़ा भरा हुआ है, साफ़ सफाई नाम की कोई भी चीज़ यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। ये दूर तक आप ये गांव देख सकते हैं और यहाँ पे गंदगी का अंबार भी देखने के लिए मिल रहा है। लोग यहाँ पे, हालांकि प्रशासन दावा करता है, सरकारें दावा करती हैं कि गांव में विकास हो रहा है, लेकिन यहाँ पे विकास के नाम पर सिर्फ और सिर्फ सफ़ेद झूठ बोला जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इंडिया न्यूज़ इनसे बात करेगा कि आखिर यहाँ पर जो मुद्दे हैं लोगों के वो आखिर कौन से मुद्दे हैं और किन मुद्दों को लेकर यहाँ पे इस बार लोग अपने प्रधान को चुनने जा रहे हैं अपनी, क्योंकि जो प्रधान थे यहाँ पे उनके अनुसार तो ये लग रहा है कि यहाँ पे आज तक किसी भी तरीके की कोई सफाई व्यवस्था नहीं की गई है। दादा, क्या नाम है आपका? हमारा सत्यनारायण यादव। सत्यनारायण जी, ये बताइए, ये नाली और खरंजे, ये सड़क सब तो टूटी पड़ी है, तो विकास कहाँ हुआ है यहाँ पर? विकास साहब इतना ही है, ये मेन रोड का खरंजा खाली लग गया है और विकास यहाँ क्या है। यहाँ तो अब आप लोग आए हैं तो खुद ही देख रहे हैं, अब हम लोग कहाँ तक कहें। ना हमारे यहाँ विद्यालय कोई बच्चों का रखा गया है, इतनी जगह पड़ी थी, छोटे छोटे बच्चे हैं वो दूर दराज पढ़ने जाते हैं। यहाँ गांव में ना बच्चों की पढ़ाई के लिए ना खेल कूद के लिए कोई व्यवस्था नहीं बनाई। आजकल प्रधान लोग होते रहे, आते रहे, जाते रहे। कभी कौन प्रधान है यहाँ पे? यहाँ अभी तो भूतपूर्व रहे हैं लल्लू प्रधान। पूर्व में लल्लू प्रधान रहे हैं। क्या नाम है उनका पूरा? अयोध्या प्रसाद। अयोध्या प्रसाद यहाँ के प्रधान हैं, उनका उपनाम जो है वो लल्लू प्रधान है। और यहाँ पे एक माता जी मौजूद हैं। अम्मा, क्या नाम है आपका? राज देवी। ये बताइए राज देवी जी, आपको वृद्धावस्था पेंशन वेंशन मिल रही कि नहीं? बच्चा न पेंशन न राशन न कोई कोई व्यवस्था नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, राशन भी नहीं मिल रहा ना, कुछ नहीं। अच्छा, ये नाली खड़ंजा ये सब क्या टूटा पड़ा है यहाँ पे? टूटे पड़े, इसे सब टूटे पड़े बच्चा। आपका घर कहाँ पे? हमारा घर उधर है। अच्छा, पीछे है आपका घर। अच्छा अच्छा, कितनी उम्र है माता जी आपकी? हमारे 60 से ऊपर है। 60 से ऊपर है, वृद्धावस्था पेंशन भी नहीं मिल रही? कुछ नहीं, कुछ नहीं। यहाँ पे जो महिलाएं हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, उनका कहना है कि यहाँ पे इनको वृद्धावस्था पेंशन भी नहीं मिल रही है। अम्मा, क्या नाम है आपका? अम्मा, ये बताओ का कोनो तुम्हारे गाँव में विकास विकास हुआ अभी तक कि नहीं हुआ है? विकास काम है, कुछ नहीं हुआ अभी तक, कोई विकास नहीं हुआ है। ये नाली वाली तो सब गंदगी पड़ी हुई यहाँ पे, कोरोना चल रहा है, कोरोना चल रहा है, कोरोना चल रहा है और नालियाँ जो हैं वो बदबदा रही हैं। यहाँ के जो लोग हैं उनका मानना ये है कि जो उनके प्रधान हैं उन्होंने आज तक कोई भी विकास काम नहीं किया है। क्या नाम है भैया आपका? राम खिलावन निषाद। राम खिलावन जी, ये बताइए कि आप यहाँ पे क्या करते हैं? हमारा यहाँ विद्यालय है, बगल के गांव ही, हमारा पंचायत ग्राम सभा यही है, मजरा पीपरखेड़ा गैर है तमाली। नहीं, आप यहाँ पे इस ड्रेस में हैं तो क्या नेतागिरी कर रहे हैं कि यहाँ पे आप कोई और व्यवसाय करते हैं? जी, हम निषाद पार्टी से जिला अध्यक्ष हैं। इस निषादों के यहाँ जो समस्याएं हैं उनको उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये निषाद पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं और ये यहाँ पे जो निषाद लोग हैं उनकी समस्याओं को सुनते हैं। क्या नाम है भैया आपका? क्या नाम है? रामचंद्र निषाद। रामचंद्र जी, ये बताइए क्या विकास हुआ आपके गांव में अभी तक? सर, इस गांव में तो हम अभी आप देख सकते हैं कि कोई भी विकास नहीं हुआ है, नाली खरंजे टूटे पड़े हैं और लोगों की समस्या ये है कि लोग इतने वृद्ध होने के बावजूद ना इनको पेंशन दी जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि गांव की सबसे बड़ी ये समस्या है कि यहाँ पे जो विद्यालय है
यहाँ पे विद्यालय नहीं है और बच्चे यहाँ से जाएं तो कहाँ पढ़ने जाएं, शिक्षित जब बच्चे हो नहीं पाएंगे तो ये गांव बहुत ही ज़्यादा पिछड़ा होता जा रहा है। हमारे अनुसार यहाँ पे एक विद्यालय होना चाहिए, लेकिन यहाँ के प्रधान ने आज तक यहाँ की जनता को ये नहीं देखा है कि यहाँ के बच्चे जाते कहाँ हैं, और जाते हैं तो बहुत दूर जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके साथ कोई भी घटना हो सकती है। कोरोना चल रहा है, साफ़ सफाई नहीं है जी जी, इसके लिए आप लोगों ने आज तक प्रधान से कुछ कहा कि यहाँ पर साफ़ सफाई कराओ, यहाँ पर नाली नहीं है सही साफ़ है, खड़ंजे नहीं बिछे हुए हैं, सड़कें टूटी हुई हैं? सर यहाँ पे इसकी शिकायत की कभी? सर यहाँ से अगर हमारे यहाँ से जो लोग अगर प्रधान के यहाँ शिकायत लेकर के जाते हैं तो उनसे बस ये बताया जाता है कि आपके यहाँ काम कर दिया जाएगा, आज कर दिया जाएगा, कल कर दिया जाएगा, ऐसे करते करते सालों हो गए, यहाँ पे आज तक कोई विकास नहीं हुआ। नहीं, यहाँ पे प्रधान के अलावा आप सेक्रेटरी से कह सकते हैं, वीडियो से कह सकते हैं, वीडियो से कह सकते हैं, सीडीओ से कह सकते हैं, डीएम से कह सकते हैं, किसी पास शिकायत लेके आप आम लोग गए गाँव के लोग? सर अभी तो यहाँ से कोई प्रधान को ही लोग गए हैं, बाकी और कहीं नहीं है। प्रधान के पास ही गए हैं और प्रधान ने विकास नहीं करा? प्रधान ने अभी तक बिल्कुल, प्रधान जी यहाँ के जो हैं वो लोगों की बातों को नहीं सुनते हैं, जो उनकी प्रजा है उनको नहीं सुनते हैं, और यहाँ पे लोग जो हैं वो हालांकि काफ़ी मायूस हैं क्योंकि यहाँ पे जो है वो विकास नहीं हुआ है। विकास को की बात तो कही जाती है लेकिन विकास कहीं धरातल पर यहाँ पर इस गाँव में नहीं दिख रहा है। क्या नाम है दादा आपका? राम सिंह जी। दादा ये बताओ क्या करो, तो आप घर पर रहते हैं? घर पे रहते हैं, खेती बाड़ी किसानी कुछ करत हो? कुछ नहीं। कुछ नहीं करत हो? अच्छा, तो गांव में विकास हुआ है कि नहीं हुआ है अभी तक? थोड़ा बहुत हुआ है। कहाँ हुआ है? वही खड़ंजा लगा, बस एक खड़ंजा लगा है 5 साल में और कुछ नहीं हुआ? कोटेदार राशन देवत है? कुछ नहीं। नहीं देवत है? नहीं, पिछली बार कोरोना में सरकार ने फ्री राशन बंटवाया 3 महीने, कुछ नहीं मिला। नहीं मिला यहाँ पे लोगों को वृद्धावस्था पेंशन? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं मिलती। यहाँ के लोगों का ये दावा है, ये आरोप है कि यहाँ के प्रधान जो हैं वो प्रधानी तो कर रहे हैं लेकिन यहाँ पे जो विकास की बात है वो नहीं कर रहे। यहाँ पे लोगों को जो राशन मिलना था वो नहीं मिला, यहाँ पे जो विद्यालय है वो विद्यालय नहीं है, बच्चों को यहाँ से दूर पढ़ने के लिए जाना पड़ता है। दादा क्या नाम है आपका? राम खिलावन। राम खिलावन जी ये बताइए कहाँ रहते हैं आप? सुलाल खेल। यहीं गाँव में रहते हैं? कितने सालों से हैं? कितने सालों से गांव में है? अरे बहुत साल से पैदाइश है यहीं। तो यहाँ की क्या स्थिति है? पहले जो प्रधान हैं वो ठीक रहे कि अब जो प्रधान थे वो ठीक हैं? अब ज़्यादा करके प्रधान ही नहीं, घर में चली है और 2 दफ़े खाली बाहरी प्रधान बने तो भी थोड़ा बड़ा काम कराए नहीं, बरात साला वाला थोड़ा काम कराए नहीं, तो करेगी वो कि नहीं जी, तो कुछ ना कराए नहीं। अब देख रहे हो ये जो लल्लू प्रधान हुए वही कुछ नहीं कराए? कहाँ कराए, कुछ नहीं कराए, जहाँ नाली जहाँ खाली एक खड़ंजा लगवा देने वहाँ नाली तक का नहीं बनवाए, नाली खड़ंजा कुछ नहीं, बस एक खड़ंजा ये बना हुआ है मेन रोड वाला खाली किए ना, और राशन तक का कोई नहीं मिली। 2 साल तक राशन हमारे जो वैसे मिला था तो नहीं मिली, या फ्री वाली दरकिनार हो गए, फ्री वाली दरकिनार हुई है भाई, वो बहू वाली नहीं मिली। हाँ वो वाली तक नहीं मिलती है, यहाँ विद्यालय भी नहीं है, स्कूल कुछ नहीं ना, विद्यालय। अच्छा यहाँ जो स्वास्थ्य सेवा है, अस्पताल कहीं आसपास दूर दराज कहीं पर? अस्पताल का मैं शुक्लागंज भाग के जाग पर था, कोई काम पड़ता है शुक्लागंज जाना पड़ता है। हाँ यहाँ से दूर हो? हाँ तो दूर है करीब। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही, नमस्कार।